स्टोरी विद अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं अनिल मोहन की लिखी देवराज चौहान और मोना चौधरी सीरीज का उपन्यास हुकुम मेरे आका। सुनिए इसी नॉवेल की पहली एपिसोड आरजे अरुण के साथ। मोना चौधरी गहरी नींद में थी। सुबह 4 बजे बर्मा से लौटी थी। वहाँ 12 दिन लग गए थे और बर्मा में जो काम था उसमें इतनी व्यस्त रही कि 4 घंटे लगातार नींद ले पाने का भी मौका न मिल पाया था। अब वो थकी टूटी नींद में पस्त पड़ी हुई थी। दिन के 11 बज रहे थे, ठीक इसी पल फोन की बेल बजने लगी। बेल बजती रही, फिर बंद हो गई। कुछ पलों बाद दोबारा बेल बजनी शुरू हुई। इस बार मोना चौधरी नींद में ही ली और करवट लेकर बेड के साइड टेबल के करीब आ गई और बजते फोन का रिसीवर उठाया। कहा कुछ नहीं, कान में लगाए नींद में पड़ी रही। बेटी, उसके कानों में मिस्टर पहाड़िया की आवाज़ पड़ी। मर गए, मोना चौधरी ने नींद में ही कहा और रिसीवर तिपाई पर रख दिया। मोना चौधरी पुनः नींद में डूब गई थी। कुछ पलों बाद बेड पर ही रखे मोबाइल फोन की बेल बज उठी। उसी क्षण मोना चौधरी की दोनों आंखें खुली। आंखों में और चेहरे पर नींद बड़ी अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। मोबाइल की बेल बजती रही। मोना चौधरी का हाथ बेड पर घूमा और अगले ही पल मोबाइल उसके हाथ में था। कुछ पल उन पर आया नंबर देखती रही, फिर कॉलिंग स्विच दबाकर कान से लगाया। हेलो बेटी, मिस्टर पहाड़िया का आवाज़ कानों में एक बार फिर सुनाई पड़ी। तुमसे अभी बहुत ही खास काम है। मैं कोई खास काम नहीं करना चाहती, मोना चौधरी ने फ़ोन बंद करके रखा और उठ बैठी। 6-7 घंटे की नींद लेकर पूरा तो नहीं, शरीर को थोड़ा सा आराम अवश्य मिला था। अब तो नींद टूट गई थी। वो उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। शरीर पर पैंटी और नाइट गाउन था। छोटा सा एयरबैग बेड पर अभी भी एक तरफ पड़ा था, जिसे यो वर्मा से अपने साथ लाई थी। 5 मिनट में ही किचन से कॉफ़ी बना करने के लिए फ्लैट के छोटे से डाइनिंग रूम में पहुंची और घूंट भरते हुए सोफे पर बैठने लगी कि तभी कॉल बेल बजी। मोना चौधरी ठिठकी, फिर कॉफ़ी का मग थामे दरवाजे के पास पहुँची और आई मैजिक पर आँख लगा कर देखा तो मिस्टर पहाड़िया का चेहरा सामने दिखा। मोना चौधरी के होठ गोल हो गए। हैरान सी हुई कि मिस्टर पहाड़िया अभी तो फोन कर रहे थे और अब एकदम से उसके दरवाजे पर कैसे आ गए। मोना चौधरी ने दरवाज़ा खोला। मिस्टर पहाड़िया उसे देखते ही मुस्कुराए। क्या बाहर खड़े फोन कर रहे थे, मोना चौधरी पीछे हटते हुए बोली। रास्ते में था, मिस्टर पहाड़िया ने भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद किया। मैं जानता हूँ कि तुम थकी हुई हो, रात को ही बर्मा से लौटी हो, परंतु काम ही ऐसा आ गया कि तुम्हें डिस्टर्ब करना पड़ा। मोना चौधरी की आंखें सिकटी। आपको कैसे पता कि मैं बर्मा से लौटी हूँ, मिस्टर पहाड़िया मुस्कुराए। आप मुझ पर नज़र रखवाते हैं? नहीं तो मेरे बर्मा से लौटने की बात आपको कैसे मालूम, जबकि सुबह 4 बजे ही मैं वहाँ से लौटी हूँ। बर्मा में मेरे एजेंटों ने तुम्हें पहचान लिया था। मेरे कहने पर वो तुम पर नज़र रख रहे थे। अगर तुम किसी भारी मुसीबत में पड़ती तो वो तुम्हारी सहायता करने को भी आ जाते। मोना चौधरी मिस्टर पहाड़िया को देखती रही। मिस्टर पहाड़िया आगे बढ़कर सोफे पर बैठे और सिगरेट सुलगा ली। मोना चौधरी की निगाह मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर पहाड़िया पर टिकी रही। जो मामला अभी सामने आया है उसे पूरा करना मेरे एजेंटों की बस का नहीं है। ये कोई काम नहीं करना चाहती। वर्मा की थकान बहुत हुई है, अभी मैं कोई काम। मिस्टर पहाड़िया ने उसकी बात काटकर शांत स्वर में कहा। तुम कॉफ़ी पीती रहो, मैं कम शब्दों में तुम्हें सारा मामला समझाता हूँ। आपने शायद सुना नहीं कि मैं कोई काम नहीं करना चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। और आई डिटेक्टिव नाम की जासूस संस्था है, पंजाबी बाग सिटी कॉम्प्लेक्स में 2री मंजिल पर ये ऑफिस है। इसकी मालकिन प्रिया नाम की 30 बरस की युवती थी, जिसका कि रात को कत्ल हो गया। मोना चौधरी ने कॉफ़ी का घूंट भरा, नज़रें मिस्टर पहाड़िया पर टिकी थी। प्रिया पर मेरे एजेंट पंद्रह दिनों से नज़र रखे हुए थे। मोना चौधरी ने शांत भाव में घूंट भरा।
हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे थे कि जिससे इस बात का शक पैदा होता था कि वो दुश्मन देश के लिए जासूसी करती थी, यानी कि अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव आई एजेंसी की आड़ में वो देश के गुप्त रहस्य तलाश करके हासिल करके दुश्मनों देशों को देती थी। मिस्टर पहाड़िया ने कहा, ऐसा था तो उसे गिरफ्तार कर लेते, उसके खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत न थे कि उसे गिरफ्तार कर सकते। क्या फर्क पड़ता है, मोना चौधरी ने लापरवाही से कहा, उसे चुपके से उठा लेते, मामूली काम है आपके लिए, उसके बाद आसानी से उसका मुंह खुलवा लेते कि क्या सच है और क्या झूठ है। मिस्टर पहाड़िया ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है, अगर प्रिया को उठा लेते तो बहुत नुकसान हो जाता, उसके साथ ही सतर्क होकर हमारे हाथों से दूर पहुंच जाते, तब हम मामले की तह तक न पहुंच पाते। मोना चौधरी ने कॉफ़ी का घूंट भरा, हमें उसके खिलाफ कुछ कुछ सबूत मिलने शुरू हो गए थे, उन लोगों की पहचान होनी भी शुरू हो गई थी जो प्रिया से अक्सर मिलते रहते हैं। एक सप्ताह तक कोई नतीजा सामने अवश्य आया था, परंतु कल आधी रात को प्रिया की हत्या हो गई और हमारे सारे काम रुक गए। किसने किया प्रिया का कत्ल मालूम नहीं, मिस्टर पहाड़िया ने कस लिया, अगर हमें ऐसा हो जाने का अंदेशा होता तो हम प्रिया को मरने न देते, उसे उठाकर अपने कब्जे में कर लेते। मोना चौधरी खामोशी से कॉफ़ी की घूंट भरती रही। मेरा क्या काम है इस मामले में, प्रिया ने शादी कर रखी थी, 22 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी, 1.5 साल पहले पति के साथ रही, परंतु दोनों में बन नहीं पाई और वे अलग हो गए, लेकिन ये तलाक ना ले पाए, यानी कि प्रिया का वारिस उसका पति ही है। आज सुबह मेरे एजेंट उससे मिले और कई डिटेक्टिव एजेंसी का बिजनेस उससे उचित कीमत पर खरीद लिया। इस वक्त मेरे एजेंट और प्रिया का पति प्रदीप गोस्वामी कोर्ट में कागज तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी दिखाई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को खरीदने में। मोना चौधरी के होठ सिकुड़े, जल्दी करना जरूरी था, मिस्टर पहाड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, वरना प्रिया के अनजान साथी उस ऑफिस को खरीद सकते थे, या फिर वहाँ पर अगर कोई खास चीज़ें मौजूद हो तो उसे उठा ले जा सकते थे, ये काम तो अब भी कर सकते हैं। नहीं, मेरे दो एजेंट प्रिया की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पर नज़र रखे हुए हैं, मिस्टर पहाड़िया ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आई डिटेक्टिव एजेंसी में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो हमारे काम का है, अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो भी वो अगर हमारे बहुत काम आ सकती है। मोना चौधरी, वो कैसे, प्रिया की मौत की खबर मैंने आम नहीं होने दी है, हर कोई ये बात जान ले, ऐसे में कई लोग प्रिया से मिलने आएंगे और वहाँ पर तू मौजूद होगी, हमें बहुत सी नई बातें पता चल जाएगी। मोना चौधरी की होठ सिकुड़े, इस काम में मेरी क्या ज़रूरत है, आपका कोई एजेंट भी वे काम कर सकता है। नहीं, इस काम में मुझे सावधानी लेनी है, जो भी प्रिया की जगह पर आएगा उसके बारे में वे लोग पूरी तरह छानबीन करेंगे कि वो कौन है, यानी कि अपने तौर पर वो तुम्हारी भी छानबीन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि प्रिया की जगह लेने वाले की पोल खुले, उसका संबंध मिलिट्री सीक्रेट सर्विस से जुड़े, इसलिए इस काम में मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। तुम्हारे बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा यही जान सकते हैं कि तुम इश्तिहारी मुजरिम मोना चौधरी हो जिसकी पुलिस को तलाश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा मेरा संबंध नहीं जोड़ सकते, और ये जानकर कि तुम मोना चौधरी हो, अपराधी हो, वो कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं कि तुम्हें उन्हें कोई तुमसे खतरा नहीं, तुम्हारी मोना चौधरी होने का भी हमें फ़ायदा मिल सकता है, आप तो पूरी तैयारी करके आए हैं। मोना चौधरी मुस्कुराई, मेकअप से तुम्हारा चेहरा बदल दिया जाएगा, जरूरत का हर पहचान पत्र कुछ ही घंटों बाद तुम्हें मिल जाएगा, अब तुम आई डिटेक्टिव के मालिक के तौर पर प्रिया की जगह ले लोगी। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता आ गई, मेरे ख्याल में वहाँ तुम्हारे सामने कई नई बातें आएंगी, वो सब कुछ संभालना है तुम्हें, ये देखना है कि क्या प्रिया सच में देश के गुप्त राज बाहर के लोगों को बेचती थी, तो हो सकता है वो लोग तुमसे बात करने की चेष्टा करें, मिस्टर पहाड़िया ने कहा, साथ ही प्रिया के मर्डर का केस सॉल्व करना है। प्रिया मर्डर केस? हाँ, प्रिया का पति प्रदीप गोस्वामी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें अपनी पत्नी के कातिल को तलाश करने को कहेगा, प्रदीप गोस्वामी से बात हो चुकी है इस बारे में, ऐसा क्यों, मैं चाहता हूँ तुम प्रिया के मामले में पूरा दखल दो,
खामखा दखल दो की तो कोई भी सोचने के लिए मजबूर हो सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर वो लोग शक कर सकते हैं। अगर प्रदीप गोस्वामी तुम्हें अपने पत्नी के हत्यारे को तलाश करने को कहेगा तो तुम शक के घेरे में नहीं आओगी। मोना चौधरी ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। आई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में तुम्हें सहायक के तौर पर रोमी नाम का आदमी मिलेगा जो कि मेरा बेहतरीन एजेंट है, परंतु इस काम में तुम्हारा असिस्टेंट होगा। रोमी क्या करेगा? जो तुम कहोगी वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। मोना चौधरी ने विचार भरे अंदाज में सिर हिलाया। और एक चपरासी मिलेगा तुम्हें, तुम उसे गोपाल कह सकती हो। गोपाल बहुत ही खतरनाक कमांडो है और दुश्मनों को मौत देने में उसे मजा आता है, मिस्टर पहाड़िया ने कहा। गोपाल वैसी माना जाता है, अगर उसे दुश्मनों के बीच छोड़ दो तो यूं ही गोपाल ऑफिस में तुम्हारा चपरासी होगा। सब तैयारी कर रखी है, पर तुम प्रिया का ऑफिस संभालो, बाकी बातें तुम फिर भी पूछ सकती हो। कब ऑफिस संभालूं? कल सुबह। आज क्या करना है? हमारे एक्सपर्ट तुम्हारा मेकअप करेंगे, तुम्हारा हुलिया बदलेंगे जो कि कई दिनों के लिए अस्थाई रहेगा। इसके अलावा जो जानकारी तुम्हें चाहिए होगी वो भी मिलती रहेगी, यानी कि काम भी और बातें भी। बातें तो हो ही जाएंगी, मोना चौधरी ने मग से घूंट भरा उसे टेबल पर रखा। मुझे मिलेगा क्या इस काम में? क्या चाहती हो? काम बढ़िया तरह रहा तो 1 करोड़, खास ना हुआ तो जो आप ठीक समझे वो दे देना। मिस्टर पहाड़िया मुस्कुराए। क्या हुआ? वो बहुत खतरनाक मामला है बेटी, इस बात की मैं पहले ही तसल्ली कर चुका हूँ। तुम्हें कदम कदम पर सतर्क रहना होगा, यानी कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अभी आपने कई बातें मुझे नहीं बताई, जो जरूरी थी वो बता दिया। मोना चौधरी गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ देखने लगी। कोई समस्या? मैं कुछ दिन आराम करना चाहती थी, बर्मा से बहुत थकी आई हूँ। ये काम खत्म कर लो, फिर तुम भी जी भर कर आराम कर लेना। मिस्टर पहाड़िया उठ खड़े हुए। जब तुम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर सड़क पर आओगी तो वहाँ तुम्हारे इंतजार में छोटी सी लाल रंग की कार खड़ी होगी। कार का नंबर है 0500, उसमें बैठ जाना, तुम ठिकाने पर पहुँच जाओगी। मोना चौधरी होट से कोट कर मुस्कुराई। चलता हूँ, मिस्टर पहाड़िया ने कहा और आगे बढ़कर हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। मोना चौधरी सोचों में डूबी बैठी रही। 1 घंटे बाद मोना चौधरी अपार्टमेंट से बाहर निकली। मोना चौधरी ने घुटनों से ऊपर तक की पीली स्कर्ट और सफ़ेद स्कीवी पहन रखी थी। स्कीवी में उसके उभार जरूरत से ज़्यादा आकर्षक दिखाई दे रहे थे। खुले सिल्की बाल कंधों तक आते लहरा रहे थे। कानों में छोटी सी बलिया पड़ी थी। हथेली में नन्हा सा मोबाइल फ़ोन दबा हुआ था। अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकलते ही ठिठकी, इधर उधर देखा। बाईं तरफ 100 कदम आगे छोटी सी लाल कार नजर आई जिसका नंबर 0500 था। मोना चौधरी उस तरह बढ़ गई। गर्मी हो चुकी थी, सूर्य सिर पर चढ़ा तप रहा था। मोना चौधरी कार के पास पहुंची, झुक कर भीतर झांका। ड्राइविंग सीट पर 45 बरस की औरत मौजूद थी। उसने पैंट कमीज पहन रखी थी। उसके बाल छोटे ही थे लेकिन फिर भी उन्हें पीछे को करके रबड़ बैंड लगा रखा था। हेलो, मोना चौधरी बोली। पीछे बैठ जाओ, उसने शांत स्वर में कहा। मोना चौधरी ने पीछे का दरवाज़ा खोला और सीट पर बैठ गई। उस औरत ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मिस्टर पहाड़िया के लिए काम करती हो? मोना चौधरी ने बाहर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं कैप्टन हूँ। इस वक्त तुम ड्राइवर का काम कर रही हो? ये सीक्रेट मिशन है, हम चंद लोगों को ही बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे रानी कह सकती हो, वो बोली। प्रिया का एक खास दोस्त है मुकेश बालिया, प्रिया के खास मिलने वालों में से। दोनों ने बिजनेस धंधे का वास्ता है या प्यार मोहब्बत का, ये मालूम नहीं हो सका। यानी कि वो दोनों मिलते रहते थे? हाँ, मुकेश वालिया अक्सर प्रिया के ऑफिस में ही आता था मिलने। दो दो चार चार घंटे वहीं रहता था। उस ऑफिस में प्रिया के अलावा भी तो और काम करने वाले होंगे। फील्ड के काम अधिकतर प्रिया ही देखती थी, ऑफिस के मामलों को वो खुद ही टाइप करती थी। बेशक रात के 11 ही बज जाए, उस काम में क्यों ना देर हो जाए। एक तरह से वो काफ़ी मेहनती थी और देश के खिलाफ काम करती थी। हाँ, रानी ने सिर हिलाया। जरूरत पड़ने पर वो अपने
असिस्टेंट से काम लेती थी। विजय मल्होत्रा नाम का उसका असिस्टेंट कम ही उसके ऑफिस में आता था। प्रिया उसे फ़ोन पर ही काम सौंपती थी और फ़ोन पर ही रिपोर्ट लेती थी। अजीब बात है, प्रिया उसे ऑफिस क्यों नहीं आने देती थी? शायद वो नहीं चाहती होगी कि विजय मल्होत्रा ये जाने कि उसके ऑफिस में क्या हो रहा है। यही बात होगी, बात की विजय मल्होत्रा से कभी? हाँ, परंतु उसे कोई काम की बात पता नहीं चल सकी। प्रिया उसे अपने खास काम नहीं लेती थी। मारा किसने प्रिया को? पता नहीं। तुम लोगों को ये भी नहीं लगा कि वो मारी जा सकती है? मोना चौधरी ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें। जरा भी शक होता तो हम प्रिया को मरने ना देते। और कौन कौन खास लोग हैं जो प्रिया से मिलते थे? मिस्टर पहाड़िया उनके बारे में बताएंगे। मोना चौधरी खामोश हो गई। तुम बहुत खूबसूरत हो, रानी बोली। जानती हूँ, मोना चौधरी मुस्कुराई। तुम्हारे चाहने वाले भी बहुत होंगे। खूबसूरती के चाहने वाले सभी जगह बहुत होते हैं, बिना ढूंढे मिलते हैं। किस्मत वाली हो क्या तुम? नहीं हो, मेरी जिंदगी तो देश की है। हम महिला एजेंट अगर खूबसूरत हो तो चारों के चारे के तौर पर दुश्मनों को डाली जाती है। हम लोगों का अपना कोई जीवन नहीं होता, रानी ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम अपने काम से खुश हो? बहुत। शुरू में इसे काम करने से परेशानी होती थी, परंतु अब आदत सी हो गई है। अच्छा लगता है। एक ही धुन सवार आती है कि मौत के खेल में दुश्मनों को मात देनी है। शादी नहीं की? नहीं, वक्त ही नहीं मिला। यहाँ तो समझो देश के गले में बरमाला डाल दी, उसी से शादी हो गई। मोना चौधरी मुस्कुराई। इस काम में मैं भी रहूँगी तुम्हारे साथ, परंतु छिपे तौर पर। मुझे तो लगता है कि मिस्टर पहाड़िया ने इस मामले में ज़रूरत से ज़्यादा तैयारी कर रखी है। ये खतरनाक खेल है, रानी गंभीर हो उठी। बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। इस मामले में खास ताकतवर और खतरनाक लोगों का हाथ है। हालांकि हम उन लोगों की पहचान नहीं कर पाए, परंतु इस बात का एहसास हमें हो चुका है। इस बात को तुम्हें गंभीरता से लेना होगा, वरना मारी जाओगी। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली और कह उठी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा मेकअप किया जाएगा जो कि कम से कम 20 दिन तक अस्थाई रहेगा। कौन करेगा मेकअप? मैं। यानी कि 20 दिन से पहले मेकअप मेरे चेहरे पर ही रहेगा, चाहकर भी उतार ना सकूंगी। आवश्यकता महसूस हो तो तुम उस मेकअप को उतार सकोगी। कैसे उतारना है तुम्हें मैं बता दूंगी। रात के 10 बज रहे थे। 7 घंटों से कुर्सी पर बैठे बैठे मोना चौधरी थकान से चूर हो गई थी। रानी बिना थके उसका मेकअप करने में लगी हुई थी। ये जुदा बात थी कि अब उसके चेहरे पर भी थकान के भाव नजर आने लगे थे। रानी सारे काम से फारिग हुई। मोना चौधरी ने भरपूर निगाहों से खुद को शीशे में देखा। आंखों पर प्लास्टिक के फ्रेम का नज़र का चश्मा जो कि सादे शीशे से जड़ा था। सिर के बालों को पूरी तरह काला करके पीछे को कंधा करके रबड़ बैंड लगा दिया था। आंखों पर भी काले कॉन्टैक्ट लेंस रख दिए थे। कानों में लंबे लंबे लटकते कांटे, इलास्टिक वाली सफ़ेद खास तरह की 8 इंच चौड़ी बेल्ट को उसकी छातियों पर कसकर डाल दिया गया था, जिससे कि उसके उभार पूरी तरह दब गए थे। कलाइयों में कांच की चूड़ियां पहना दी गई थी। खास तरह के लोशन को चेहरे पर इस तरह लगाया गया था कि आधे घंटे बाद चेहरे पर बदलाव नजर आने लगा था। मोना चौधरी का खुशनुमा चेहरा अब सपाट सा दिखने लगा था। कुल मिलाकर वो ऐसी युवती दिखाई देने लगी थी जिसका कोई आशिक ना हो और वो अपने काम में व्यस्त रहती हो, इधर उधर झांकना भी उसे गवारा ना हो। नीरस सा पात्र लगने लगी थी। तुमने मुझे साधारण सी युवती क्यों बनाया? शीशे में देखते मोना चौधरी ने पूछा। क्योंकि ऐसे बेकार की युवती से लोग हर तरह की बात कर लेते हैं, रानी मुस्कुराई। प्यार की बात को छोड़कर मत भूलो, तुम जासूसी संस्था की मालिक बनने जाओगी। अगर तुम्हारी तड़क भड़क बरकरार रहती तो सामने वाला तुमसे बात करने में हिचकिचाता। अब तुम दबी सी बेकार सी युवती लग रही हो, ऐसे में हर कोई तुमसे बेहिचक बात कह देगा। मिस्टर पहाड़िया चाहते हैं कि आई डिटेक्टिव एजेंसी में तुमसे कोई मिलने आए या फ़ोन करे तो वो जो कहना चाहता हो कह दे, कोई धमकी देना चाहे तो फौरन दे दे, यानी कि सामने वाले के भीतर जो भी बात है बाहर आ जाए। अगर मैं किसी से प्यार करना चाहूँ तो सामने वाला मुझसे दूर भागेगा।
ऐसे में तुम वक्षों पर लिपटी बेल्ट उतार देना, आंखों पर चढ़ा चश्मा उतार देना और बालों को खोलकर लहरा देना। सामने वाला उसी पल तुम्हारे सामने बिछ जाएगा। लगता है ये सब काम तुमने बहुत कर रखे हैं। मोना चौधरी मुस्कुराई। जासूसी के धंधे में जाने क्या क्या करना पड़ता है। तभी दरवाजे पर आहट हुई। दोनों की निगाह तुरंत दरवाजे की तरफ घूम गई। उसी पल दरवाजा खुला और मिस्टर पहाड़िया ने भीतर प्रवेश किया। मिस्टर पहाड़िया के शरीर पर सुबह वाले ही कपड़े थे, चेहरे पर थकान की छाप अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। हाव भाव में व्यस्तता के भाव थे। भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने मोना चौधरी को सिर से पांव तक देखा। गुड, ये हुलिया ठीक है। मिस्टर पहाड़िया ने तसल्ली भरे ढंग से सिर हिलाया। तुमने ठीक काम किया है रानी। मिस्टर पहाड़िया ने रानी को देखा। थैंक यू सर, रानी ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर पहाड़िया आगे बढ़े और कुर्सी पर बैठते हुए मोना चौधरी से कहा, इस मिशन में तुम्हारा कोड वर्ड हुकुम मेरे आका होगा। कोड वर्ड की जरूरत है, मोना चौधरी के होठों से निकला। तुम्हें जरूरत पड़ेगी, मिस्टर पहाड़िया ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे कई एजेंट इस काम पर है, जो वो जब तुमसे बात करेंगे तो उन्हें अपनी पहचान बतानी जरूरी होगी, तभी तो तुम उन्हें पहचान पाओगी। मोना चौधरी ने शांत भाव में पहलू बदला और बोली, क्या इस काम में आपके एजेंटों की जरूरत रहती है? हाँ, वो अभी भी काम पर ही है, मुझे बताया नहीं गया। वक्त आने पर तुम्हें अभी कई बातें पता चलेगी, यानी कि कई बातें मुझसे छिपाई जा रही है। छिपाई नहीं जा रही, बल्कि हम खुद कई बातों में उलझन में हैं। मिस्टर पहाड़िया ने कोट की जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और मोना चौधरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये प्रिया का मोबाइल फ़ोन है। प्रिया का? हाँ, उसकी लाश के पास ही मिला था, तब स्विच ऑफ कर दिया गया था, यानी कि कल रात से स्विच ऑफ है। तुम चाहो तो फ़ोन स्विच ऑन कर सकती हो। मोना चौधरी ने फ़ोन थाम लिया। मिस्टर पहाड़िया ने कोट की जेब से लिफाफा निकालकर मोना चौधरी की तरफ बढ़ाया, इसमें तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हारी इसी तस्वीर के साथ जिस सिरे में तुम अभी बैठी हो। रानी ने तुम्हारा तस्वीर देखकर पहले ही बता दिया था कि इस तरह तुम्हारा चेहरा होगा। तुम्हारी तस्वीर को इस चेहरे जैसे बनाकर तस्वीर के कई प्रिंट हमने निकाल दिए थे। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पहचान पत्र, प्राइवेट आई डिटेक्टिव एजेंसी का पहचान पत्र है। तुम्हारा नाम मोना है। मोना चौधरी ने लिफाफा भी थाम लिया। चलो, मिस्टर पहाड़िया ने उठते हुए कहा, किधर? तुम्हारे परिवार में, जहाँ तुम्हें रात रहना है और वहाँ से सुबह अपनी डिटेक्टिव एजेंसी पहुँचना है। मोना चौधरी की होठ सिकुड़े। परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी छोटी बहन। छोटी बहन देविका अभी अभी कॉलेज करके हटी है, जबकि ये तीनों मेरे बेहतरीन एजेंट हैं। उनके बारे में तुम्हें निश्चित रहना चाहिए। कोई तुम्हारे बारे में छानबीन करेगा तो परिवार देकर उसे शक नहीं होगा। मोना चौधरी मिस्टर पहाड़िया के साथ आधे घंटे के सफ़र के बाद मोतीनगर के एक मकान में पहुंची। रात के 11 बज रहे थे। कॉल बेल बजाने पर फौरन दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला 55 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति था। दोनों भीतर आए। भीतर 45 बरस की औरत साड़ी पहने मौजूद थी और 22-23 बरस की एक युवती भी वहाँ मौजूद थी, जो कि आकर्षक थी। उसकी आँखें उसके कठोर होने की चुगली कर रही थी। ये मोना है, मिस्टर पहाड़िया ने उन तीनों से कहा। फिर मोना चौधरी से बोला, ये तुम्हारा पिता सुरेंद्र लाल है, ये तुम्हारी माँ राधिका और ये तुम्हारी छोटी बहन देविका। मोना चौधरी ने तीनों पर नज़र मार कर सिर हिलाया। मुझे कपड़ों की जरूरत होगी, मोना चौधरी बोली। यहाँ मेरे कपड़े, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, देविका मुस्कुरा कर कह उठी। मोना चौधरी ने मिस्टर पहाड़िया को देखा। मैं चलता हूँ, मिस्टर पहाड़िया बोले। कल सुबह 9 बजे तुमने आई डिटेक्टिव के ऑफिस पहुँचना है। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। चलो तो बेशक, चाहो तो बेशक छोटी बहन के तौर पर देवका को अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे साथ चलना अच्छा लगेगा, देवका का उठी। ठीक है, मोना चौधरी ने देवका को देखा। चलना तुम सुबह मेरे साथ। पंजाबी बाग सिटी कॉम्प्लेक्स। देविका कार चलाती सिटी कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में पहुंची। मोना चौधरी बगल में बैठी थी। पार्किंग में कार रोककर देविका ने इंजन बंद किया। मोना चौधरी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। तभी पार्किंग वाला हाथ में पर्चियों की गड्डी थामे वो वहाँ पहुँचा। तुम पार्किंग वाले हो? मोना चौधरी ने पूछा। यस मैडम, वो पर्ची पर कार का नंबर लिखने लगा। आई डिटेक्टिव एजेंसी अब मेरी है, वो प्रिया मैम साहब की है। नंबर लिखना छोड़कर उसने मोना चौधरी को देखा। देविका भी कार से बाहर आ गई। अब मैंने खरीद ली है। ओह, मुझे पता नहीं था मंथली पार्किंग जो लेते हो
वही मिलेगा। ठीक है मैडम। मोना चौधरी और देविका इमारत के भीतर की तरफ बढ़ गई। दोनों सीढ़ियां तय करके दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां सीढ़ियों के पास दूसरी मंजिल के ऑफिसों का इंडेक्स बना हुआ था। इंडेक्स में 23 नंबर खाने में आई डिटेक्टिव एजेंसी लिखा हुआ था। मोना चौधरी और देविका गैलरी में आगे बढ़ गए। शांत साफ सुथरी जगह थी। गैलरी के दोनों तरफ ऑफिसों के बंद दरवाजे नजर आ रहे थे। हर दरवाजे पर नंबर और ऑफिस का नाम लिखा हुआ था। कुछ पलों बाद वे 23 नंबर के सामने रुके। दरवाजे पर पीतल के अक्षर आई डिटेक्टिव एजेंसी चिपके हुए थे। मोना चौधरी ने चाबी लगाकर दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गई देविका के साथ। मोना चौधरी ठिठकी और आंखों पर चढ़ा रखे चश्मे को ठीक करके वो वहां नजरें दौड़ाई। ये 16 फीट चौड़ा और 14 फीट लंबा कमरा था। कमरे में दो टेबल और कुर्सियां पड़ी थी। एक तरफ दीवार के साथ फाइलें रखने के लिए रैक बने हुए थे जिन पर शीशा चढ़ा रखा था। दोनों टेबलों पर फोन रखे हुए थे। दो तरफ की दीवारों पर सीनरी अटका रखी थी। दीवार पर वॉल क्लॉक थी। छत पर दो पंखे लगे हुए थे। फर्श पर जूट का कारपेट बिछा रखा था। एक तरफ की दीवार के साथ लकड़ी की अलमारी छत तक जाती बनी हुई थी। टेबल पर चाबियों का गुच्छा पड़ा था। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। सामने की दीवार के बीच एक दरवाजा नजर आ रहा था। देविका मोना चौधरी आगे बढ़ती हुई बोली, टेबल पर रखा चाबियों का गुच्छा चेक करो। मेरे ख्याल में ये चाबियां सामने की लकड़ी की अलमारी की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पड़ी एक एक चीज़ों को चेक करो। किसी भी चीज़ को फालतू मत समझना। इस सामान में से हमें अपने काम की चीज़ें तलाश करनी है। हमारा आज का दिन इसी काम में लग जाएगा। देविका ने आगे बढ़कर चाबियों का गुच्छा उठाया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। दोनों फुर्ती से पलटी। दरवाजे पर 30 बरस का युवक खड़ा दिखा। गुड मॉर्निंग मैडम, वो मुस्कुराया। मैं रोमी, आपका असिस्टेंट, मोना चौधरी ने देविका से कहा। तुम जानती हो इसे? नहीं। तभी दरवाजे पर दूसरा चेहरा दिखा जो कि 45 बरस का था। मुझे गोपाल कहते हैं, वो बोला। चपरासी होने के साथ साथ बाकी सब काम भी करता हूँ। दरवाजे पर अपनी जगह संभाल लो और देविका तुम छानबीन करने में रोमी को अपने साथ लगा लो। ठीक है। दो आदमी इस जगह की निगरानी कर रहे थे। मोना चौधरी ने रोमी को देखा। वो आपके आने पर चले गए होंगे, ऐसा ही आदेश था उन्हें। जल्दी से पूरे ऑफिस की तलाशी लो, कहने के साथ मोना चौधरी पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गोपाल ने एक तरफ पड़ा स्टूल उठाया और दरवाजा जरा सा खोलकर स्टूल दरवाजे के भीतर रखकर उसके ऊपर बैठ गया और बोला, कहो तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूँ, जरूरत होगी तो बता देंगे, रोमी ने कहा। फिर रोमी और देविका वहाँ के जर्रे जर्रे की तलाशी लेने में व्यस्त हो गए। मोना चौधरी ने उस दरवाजे से भीतर प्रवेश किया तो खुद को बढ़िया केबिन में पाया। शानदार अंडाकार डिजाइन का टेबल मौजूद था जिसके इस तरफ तीन कुर्सियां पड़ी थी और दूसरी तरफ ऊंची पुश्त वाली आरामदेह चेयर। टेबल पर दो फोन और जरूरत का सामान रखा हुआ था। पीछे की दीवार के साथ 1.5 फीट चौड़ाई वाली कवर्ड फिक्स कर रखी थी। सामने की दीवार पर वॉल क्लॉक टिक टिक कर रही थी। बाई तरफ की दीवार के साथ 1.25 फीट चौड़ी सेटी लगा रखी थी जो कि 5 फीट लंबी थी। ज़्यादा लोग हो तो वहाँ भी बैठा जा सकता था या फिर वहाँ आराम किया जा सकता था। फर्श पर सुर्ख रंग का कारपेट था। मोना चौधरी की निगाह हर तरफ घूम चुकी थी। वो आगे बढ़ी और टेबल पर रखे दोनों फ़ोनों का रिसीवर बारी बारी उठा कर देखा। दोनों फ़ोन चालू हालात में थे। तभी मोना चौधरी को याद आया तो उसने मिस्टर पहाड़िया का दिया प्रिया का मोबाइल फ़ोन जेब से निकाला और ऑन का स्विच दबाकर टेबल पर रख दिया। उसके बाद कबर्ड के पास पहुंची और उसके पल्लों को खोलने की चेष्टा की परंतु वो लॉक्ड थे। मोना चौधरी पलटकर कुर्सी पर बैठ गई। दूसरे कमरे में देविका रोमी और गोपाल की आवाज़ें आ रही थी। मोना चौधरी ने टेबल का ड्रॉज खोला। ड्रॉज में डायरी चंद कागज और सिगरेट का पैकेट और लाइटर था। मोना चौधरी ने पैकेट में से सिगरेट निकाली और लाइटर से सुलगाकर कस लिया। उसके बाद डायरी और कागजों को खोलकर देखने लगी। एक घंटा बीत गया। डायरी में कई नाम पते थे। कोई भी नाम पता आने वाले वक्त में काम का साबित हो सकता था। मोना चौधरी बाकी सब ड्राजों को चेक करने लगी। नीचे वाले ड्रॉज में विदेशी विस्की की बोतल और एक गिलास
रखा था। बीच वाले ड्रॉ से उसे छोटी फाइल मिली। फाइल में जरूरी कागजों को पंच करके फंसा रखा था। उन कागजों को चेक करती पलट रही थी कि तभी फाइल में रखी पोस्ट कार्ड साइज की एक फोटो हाथ लगी। मोना चौधरी के होठ सिकुड़े और नजरें फोटो पर जा टिकी। तस्वीर में एक युवती के अलावा दो और लोग थे। युवती 30 बरस के आसपास थी। उसके बाल कटे हुए थे, पैंट कमीज पहन रखी थी उसने। साथ में जो दो व्यक्ति थे उनमें से एक 45 का था और दूसरा 50 के आसपास का था। युवती दोनों के बीच खड़ी थी। मोना चौधरी कई पलों तक तस्वीर को देखती रही। तभी रोमी ने भीतर प्रवेश किया। मैडम, वो बोला, आपसे एक आदमी मिलने आया है। मेरे से? मोना चौधरी ने रोमी को देखा। प्रिया से। ले आओ। मोना चौधरी ने तस्वीर टेबल पर रख दी। रोमी बाहर निकल गया। कुछ सेकंड के पश्चात ही 40 बरस के एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। नमस्कार, वो बोला, आप प्रिया मैडम हैं? बैठो। मुझे बैठने के लिए मना किया गया है, उसने जेब से एक लिफाफा निकालते हुए कहा। यह आपको देने को कहा है। मोना चौधरी ने लिफाफा थामा। किसने भेजा ये? विजय मल्होत्रा साहब ने। मोना चौधरी को ध्यान आया कि विजय मल्होत्रा वो है जो फिरिया के लिए जासूसी के काम करता था, यानी कि उसका असिस्टेंट। मोना चौधरी ने उसे देखा। विजय मल्होत्रा कहाँ है? मैं नहीं जानता। लिफाफा आप तक पहुँचाने का उसने मुझे 300 रुपया दिया है, चलता हूँ। अगले ही पलों पलट कर बाहर निकल गया। मोना चौधरी ने लिफाफे को देखा। आगे पीछे कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा था। तभी दरवाजे पर देविका देखी। बहुत जल्दी चला गया, उसने पूछा। ये लिफाफा देने आया था, मोना चौधरी लिफाफा खोलते हुए बोली। विजय मल्होत्रा ने भिजवाया है। विजय मल्होत्रा, प्रिया का असिस्टेंट? जी हाँ। देविका भीतर आ गई। तुम्हें कोई काम की चीज़ मिली? मोना चौधरी ने पूछा। अभी नहीं, तलाश जारी है। पता भी तो नहीं कि क्या तलाश करना है। मोना चौधरी ने लिफाफे में रखा सामान बाहर निकाला। वो कागज से स्टेपल किए हुए थे। मोना चौधरी ने उन कागजों को देखा। कुछ भी समझ में ना आया। कोड वर्ड की भाषा लिखी हुई थी। बीच बीच में लाइनों द्वारा नक्शे जैसा भी कुछ बनाया हुआ था। मोना चौधरी ने उन कागजों को देविका की तरफ बढ़ाया। देखो तो ये क्या है? देविका ने कागज देखे। मुझे नहीं समझ आ रहा, इन्हें मिस्टर पहाड़िया तक पहुंचा दो, वो देख लेंगे, मोना चौधरी ने कहा और टेबल पर रखी तस्वीर उठाई। इसे भी देखो, क्या इन तस्वीर वाले चेहरे को जानती हो? देविका ने तस्वीर देखी और कह उठी, तस्वीर में प्रिया है, आई डिटेक्टिव की मालिक। हाँ, मैंने इसकी तलाश करते वक्त इसकी लाश देखी थी, इसलिए पहचान लिया। साथ के आदमियों को नहीं जानती? नहीं। तभी रोमी ने भीतर प्रवेश किया। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही वो चौंका। ये तस्वीर कहाँ से मिली? टेबल की ड्रॉस। क्यों? मोना चौधरी ने रोमी को देखा। ये सफ़ेद कमीज वाला जाफर शरीफ है, खूंखार आतंकवादी। इसके साथ फ्रिया का तस्वीर में होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं, रोमी बोला। जाफर शरीफ, तस्वीर देखते ही मोना चौधरी बड़बड़ा उठी। साथ वाला व्यक्ति कौन है? दबका बोली। उसे नहीं जानता, रोमी ने इनकार में सिर हिलाया। इस ऑफिस की अच्छी तरह तलाशी लो, शायद हमें और भी कुछ मिले, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। रोमी और देविका ने सिर हिलाया। तभी टेबल पर पड़े फोन की बेल बजी। दोनों तीनों की नजरें मिली। मोना चौधरी ने रिसीवर उठाया। हेलो, मैं कामनी बोल रही हूँ, उधर से किसी युवती का शांत स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारा काम हो गया है? गुड। मोना चौधरी समझ नहीं पाई कि क्या कहें। तुमने 10,000 देने को कहा था, अपना कहा मैं भूलती रही, मोना चौधरी ने सतर्क आवाज में कहा। इस वक्त तुम कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे पास नहीं आ सकती प्रिया, सच बात तो ये है कि तुम्हारा काम करके मैं खुद को मुसीबत में डाल लिया है। उसे अब तक पता चल गया होगा कि मैंने रात क्या किया है, वो मुझे ढूंढेगा। मेरे पास आ जाओ, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हें मेरे पास पहुँचो, मेरी असिस्टेंट तुमसे मिलने आएगी, 10,000 उसी के पास होगा। कहाँ मिलेगी? मिलोगी तुम, होटल ब्लैक होल, धर्मपुरा, अंसल बिल्डिंग के पीछे। मेरे पास वक्त कम है, कब तक आ रही हो? 1 घंटे में मेरी असिस्टेंट तुम्हारे पास होगी, जल्दी आना, उधर से कामनी ने कहकर रिसीवर रख दिया। मोना चौधरी ने रिसीवर रखा। क्या बात हुई? रोमी ने होठ सिकुड़े पूछा। मोना चौधरी ने बताया, हम नहीं जानते कि कामनी कौन है, देविका का उठी। हमने जो जगह संभालनी है वहाँ जो भी आएगा वो हमारे लिए अनजान नहीं होगा, रोमी बोला।
कामनी कोई खतरा भी तो हो सकता है, हमारे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन शायद होगा नहीं। मोना चौधरी का उठी। कामनी के लहजे में अस्पष्ट था कि प्रिया ने उसे कोई काम करने का बोला था और वो काम पूरा करके उसने प्रिया को यानी कि मुझे फ़ोन कर दिया। तीनों की नज़रें मिली। मोना चौधरी उठ खड़ी हुई। मैं कामनी से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारा अकेले जाना खतरे से भरा होगा मोना चौधरी, देविका बोली। यहाँ पर इस काम में हम नए हैं, क्या पता क्या मामला है, ये कोई जाल भी तो हो सकता है तुम्हारे लिए। मेरे साथ गोपाल जाएगा, मोना चौधरी बोली। ये ठीक रहेगा, तुम दोनों पूरे ऑफिस की अच्छी तरह तलाशी लो, जो भी खास चीज़ मिले उसे समझने की चेष्टा करो। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने टेबल पर रखा अपना और प्रिया का मोबाइल फ़ोन उठाकर जेब में डाला और उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंची। गोपाल प्रवेश द्वार का आधा दरवाज़ा खोले बीच में स्टूल रखे बैठा था। तो मेरे साथ चलो, ड्राइवर के तौर पर कार चलाओगे, गोपाल फौरन उठते हुए बोला। खास बात है क्या? हाँ, रास्ते में बता दूंगी। जाना कहाँ है? धर्मपुरा होटल ब्लैक होल। गोपाल ने कार को एक तंग गली के किनारे पर रोका। गली के भीतर कुछ आगे ब्लैक होल होटल का बोर्ड नज़र आ रहा था। मोना चौधरी बाहर निकलते हुए बोली, मैंने वहाँ जाकर कामनी से मिलना है। मैं कितनी देर तुम्हारा इंतज़ार करूँ? मेरे ख्याल में आधे घंटे तक आ जाऊँगी। ना आई तो जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करना। गोपाल के सिर हिलाने पर मोना चौधरी गली में आगे बढ़ गई। दिन के 12 बज रहे थे, खास भीड़ नहीं थी गली में। मोना चौधरी वहाँ रुकी जहाँ ब्लैक होल का बोर्ड लगा हुआ था। चंद चौड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर काले शीशों का दरवाजा था। मोना चौधरी ने सीढ़ियाँ तय की और दरवाज़ा धकेल कर भीतर प्रवेश कर गई। छोटी सी लॉबी थी, एक तरफ छोटा सा रिसेप्शन के नाम पर काउंटर नज़र आ रहा था, दूसरी तरफ ऊपर जाती सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। मोना चौधरी रिसेप्शन पर पहुंची, आंखों पर चढ़ा रखा चश्मा ठीक किया। वहाँ एक युवक मौजूद था। यस मैडम, कामनी से मिलना है, ऊपर 14 नंबर कमरे में है, चली जाओ। मोना चौधरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, पहली मंजिल पर पहुंची। वहाँ कमरे थे। मोना चौधरी दरवाजे पर लिखे नंबरों को पढ़ती हुई आगे बढ़ी और 14 नंबर कमरे के सामने छिटकी। दरवाज़ा बंद था। मोना चौधरी ने दरवाज़ा थपथपाया, फौरन ही दरवाज़ा खुला। 25 बरस की युवती देखी। हेलो, मोना चौधरी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, तुम कामनी हो? हाँ, तुम? प्रिया ने भेजा है मुझे। ओह, आओ, कहते हुए दरवाजे से पीछे हटी। मोना चौधरी ने भीतर प्रवेश किया। साधारण सा कमरा था ये, डबल बेड बिछा हुआ था, दीवार पर शीशा लगा हुआ था, अटैच्ड बाथरूम था। 10,000 लाई हो? उस युवती ने सीधे कहा। हाँ, निकालो, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ दिया नहीं, कुछ बताया नहीं कि तुम 10,000 दे दो तुम्हें। इन कामों में पहले कीमत चुकाई जाती है। मोना चौधरी ने जेब से 10,000 रुपये निकाले और उसे थमाए। गिन लो, जरूरत नहीं, एकाएक ही वो मुस्कुराई। मुफ्त का माल कम भी हो तो चिंता नहीं। क्या मतलब? मोना चौधरी चौंकी। उसी पल उसका घूसा मोना चौधरी के गाल पर पड़ा। मोना चौधरी लटखड़ाई, पास से दीवार पर हाथ चढ़कर संभली उसे देखा। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। ये सब क्या है? मोना चौधरी ने बेहद सब्र के साथ पूछा। मैं कामनी नहीं हूँ। क्या? मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव भरे। कौन हो तुम? रोजी। ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओगी? मेरे ख्याल में फ़ोन पर तुमने बात नहीं की थी। मोना चौधरी को उसकी आवाज़ वो नहीं लगी जो आवाज़ उसे फ़ोन पर सुनाई दी थी। तुमने ठीक समझा कि मैं वो नहीं हूँ जिसने फ़ोन पर बात की थी। फ़ोन पर बात करने वाली कामनी थी। उसे पता ना लग सका था कि जब वो बात कर रही थी हम उसके पीछे आ पहुँचे थे। हम? पीछे देखो। मोना चौधरी फौरन पीछे पलटी। कमरे के दरवाजे के बाहर दो आदमी खड़े दिखे। एक के हाथ में रिवॉल्वर थी। मोना चौधरी समझ गई कि वो बुरी तरह फंस गई है। चलो, रोजी बोली। किधर? मोना चौधरी अब सतर्क से नजर आने लगी थी। साथ वाले कमरे में। वहाँ क्या है, चलकर देख लेना। तुम लोग कौन हो? ज़्यादा सवाल नहीं। रोजी ने मोना चौधरी की बाँह पकड़कर बाहर को धकेला। चलो। मोना चौधरी ने इनकार नहीं किया। वो खुद जानना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है। उन तीनों के साथ मोना चौधरी बगल वाले 14 नंबर कमरे में पहुंची। उसकी निगाह उस युवती पर चाटी की जिसके हाथ पर बांधकर कमरे के कोने में डाला हुआ था। उसके अलावा 40 बरस का एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था।
उसने काली पैंट और आधी बांह की कमीज पहन रखी थी। उस व्यक्ति की निगाह मोना चौधरी पर जा टिकी। तुम कामनी हो? मोना चौधरी ने बंधी युवती से पूछा। हाँ, बंधी हुई इसने फंसी फंसी सी आवाज में कहा। तो तुम आई हो आई डिटेक्टिव एजेंसी से? उस व्यक्ति ने मोना चौधरी से पूछा। हाँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? मोना चौधरी ने पूछा। ये कहती है इसे प्रिया ने भेजा है, रोजी ने उस व्यक्ति से कहा। मोना चौधरी को लाने वाले दोनों आदमी शांत खड़े थे। प्रिया ने भेजा है? वो मोना चौधरी को देख कर मुस्कुराया। कहाँ है प्रिया? अपने ऑफिस में। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? पूछ नहीं रहा, सोच रहा हूँ। क्या? कि जो मर जाए वो किसी को कैसे भेज सकता है, उसने जहरीले स्वर में कहा। मोना चौधरी की आंखें सिकड़ी। तो तुम जानते हो कि प्रिया अब नहीं रही? हाँ, वो तुमने मारा है उसे? मोना चौधरी ने पूछा। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद नहीं हूँ, उसने कहा एक तीखे स्वर में कहा। अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? आई डिटेक्टिव एजेंसी में कैसे मौजूद थी? मोना चौधरी ने दरवाजे की तरफ देखा। उधर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। इस होटल में इस वक्त मेरा कब्जा है। कम से कम ये तो बताओ कि तुम कौन हो, इससे हम आराम से बात कर सकते हैं। मुझे आराम से बात नहीं करनी तुमसे, और तुम मेरा वक्त खराब कर रही हो। उसकी आवाज़ में अब सख्ती आने लगी थी। रोजी, इसे समझाओ कि वक्त बर्बाद ना करे, और वरना समझा। रोजी ने चेतावनी भरे स्वर में मोना चौधरी को देखकर कहा। कुछ पल वहाँ चुपी रही। बोलो, कौन हो तुम? मैं आई डिटेक्टिव एजेंसी की मालिक हूँ, मोना चौधरी ने कहा और चश्मा ठीक किया। मालिक? वो हैरान हुआ। आई डिटेक्टिव की मालिक तो प्रिया थी, अब उसके इस बिजनेस की मालिक मैं हूँ। उसके पति प्रदीप गोस्वामी से ये बिजनेस मैंने खरीद लिया है। कब खरीदा? कल। बहुत जल्दी दिखाई। सच में इस जल्दबाजी पर हैरानी है, लेकिन तुम इस तरह प्राइवेट जासूस नहीं बन सकती, इसके लिए तुम्हारे पास लाइसेंस होना जरूरी है, उसने सोच भरे स्वर में कहा। तुमने मेरा लाइसेंस देखने के लिए ये सारी मेहनत की है? मोना चौधरी ने पूछा। नहीं तो काम की बात करो। नाम क्या है तुम्हारा? मोना। इस मामले में क्यों दखल दे रही हो? मुझे नहीं मालूम तुम किस मामले की बात कर रहे हो। मैंने आज ही काम संभाला है, मैं नहीं जानती क्या हो रहा है यहाँ। कामनी का फोन आया तो मैंने इससे मिलना जरूरी समझा, बस आ गई। अपने काम से मतलब रखो, प्रिया के कामों में दखल देने की चेष्टा ना करो। उसकी मौत के साथ ही उसके काम भी खत्म हो गए, उसने शब्दों को चबाते हुए कठोर स्वर में कहा। तुम मुझे बता रहे हो कि मैंने अपने काम कैसे करने हैं? मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। मेरा समझाया जाना तुम्हें पसंद नहीं तो बता दो, अभी तुम्हें गोली मार देते हैं। अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? मेरे बारे में जानने की चेष्टा भी मत करना, उसकी आवाज में धमकी भरे भाव आ गए थे। मोना चौधरी चुप रही। तभी रोजी उस आदमी से बोली, कामनी का क्या करना है? उस आदमी की निगाह कामनी पर गई। हाथ पांव से बंधी कामनी एकाएक सहम सी गई। दिल तो करता है इस हरामजादी के टुकड़े कर दूं, रात मेरे साथ रही और मेरे ब्रीफकेस से सामान निकाल कर प्रिया के हवाले करना चाहती थी। उसकी आवाज़ में खूंखारता के भाव आ गए थे। लेकिन अभी मेरा मन इसकी जान लेने का नहीं है, साली घटिया औरत है। कामनी सहमी सी पड़ी रही। वो आदमी उठ खड़ा हुआ। तुम अपने कामों से मतलब रखो, उसने खा जाने वाले स्वर में मोना चौधरी से कहा। प्रिया के किसी काम में दखल मत दो, उसे और उसके कामों को भूल जाओ, समझी? मोना चौधरी ने सिर हिला दिया। फिर वो व्यक्ति रोजी और दोनों आदमियों के साथ वहां से चला गया। मोना चौधरी ने जल्दी से कामनी के बंधन खोले। कामनी की हालत बुरी थी, वो घबराई हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि प्रिया की मौत हो चुकी है, कामनी हाँफते हुए बोली। परसों रात किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। ओह, जब मैंने फ़ोन किया था तो ये बात तुमने मुझे क्यों ना बताई? बता देती तो क्या तुम मुझसे मिलती? कामनी अपने हाथ पाँव को दुरुस्त करने में लगी थी। अब बताओ क्या हो रहा है यहाँ, आखिर ये सब क्यों बताऊँ तुम्हें? तुम्हारे बुलावे के कारण मैं भारी खतरे में पड़ी, कम से कम पता तो चले कि मामला क्या है। तुमने देखा नहीं कि मेरी जान जाते जाते बची है? इस काम में पड़कर मुझे क्या मिला? तुम्हारे लिए मैं 10,000 लाई थी, गलती से रुपया मैंने रोजी के हवाले कर दिया। हरामी कुतिया, मेरा 10,000 ले गई, कामनी दांत भी चेका उठी। अब तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने को? 2-3 हज़ार होगा। दो, पहले मामला बताओ।
कामनी चंद पल चुप रह कर का उठी। सारी बात तो मैं भी नहीं जानती। जिस आदमी से तुम मिली हो वो हर सप्ताह में दो दिन मेरे पास आया करता था। मैं कॉल कर लूँ, तीन चार महीने से ये मेरे पास आ रहा था। मैं अपने ग्राहकों को इसी ब्लैक होल होटल में ले जाती हूँ। चार दिन पहले प्रिया मुझसे मिली। इस आदमी का नाम क्या है? हरजीत नाम है इसका। कहाँ रहता है? मैं नहीं जानती। इसे जब भी मेरे से मिलना होता है तो मेरे मोबाइल फ़ोन पर बात कर लेता था। तो फिर यहाँ तुमसे मिली? हाँ। उसने कहा कि हो सकता है अरजीत तुम्हारे पास कल आए। मैं तुम्हें 10,000 दूंगी अगर तुम उस वक्त उसके पास मौजूद ब्रीफकेस में मौजूद पीला लिफाफा खिसका कर मुझे दे दो। मैं समझ नहीं पाई कि प्रिया के लिए ये काम करूँ या नहीं। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया कि अगर काम हो जाए तो उसे फ़ोन कर दूँ, वो 10,000 रुपया लेकर पहुँच जाएगी। मोना चौधरी कामनी को देखे जा रही थी। कल रात हरजीत ने मेरे साथ बिताई और मुझे इसका ब्रीफकेस देखने का मौका मिल गया। इसमें पीला लिफाफा पड़ा था। मैंने लिफाफा चुपके से निकाल लिया। सुबह हरजीत चला गया तो मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया, लेकिन हरजीत ने जब ब्रीफकेस खोला होगा तो लिफाफा उसमें ना पाकर उसका शक मुझ पर ही गया होगा। और रोजी नाम की लड़की और दो आदमियों को लेकर यहाँ पहुँचा। जब मैं फ़ोन पर तुमसे बात कर रही थी तो रोजी मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। मोना चौधरी को अब थोड़ी सी बात समझ में आई। तुमने मुझे इतनी लेट फ़ोन क्यों किया? हरजीत तो तुम्हारे पास से सुबह चला गया होगा। मैं तो सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रही थी लेकिन फ़ोन बंद ही मिला हर बार। मोना चौधरी को ध्यान आया कि प्रिया का फ़ोन उसने आई डिटेक्टिव एजेंसी पहुंचकर ही स्विच ऑन किया था। कामनी को वो सोच भरी निगाहों से देखती रही। नोट दो, मोना चौधरी जेब में हाथ डालते हुए बोली। उस लिफाफे में क्या था? मुझे क्या पता, वो बंद लिफाफा था, उसे मैंने खोला नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कागज़ थे या कागज जैसे ही कोई चीज़ होगी। नोट दो, मैं चलूँ। प्रिया के चक्कर में पड़कर मेरा परमानेंट ग्राहक हाथ से निकल गया। कामनी ने अफसोस भरे स्वर में कहा, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। मोना चौधरी ने 2,000 उसे दिए। कामनी जाने लगी तो मोना चौधरी ने कहा, इस मामले में कोई खास खबर हो तो बताना, बदले में नोट और भी दूंगी तुम्हें। उसने मोना चौधरी को घूरा फिर बाहर निकल गई। मोना चौधरी उलझन में फंसी वहीं खड़ी रही। तभी दरवाजे पर गोपाल का चेहरा दिखा। सब ठीक है? हाँ अभी तक तो ठीक ही है, मोना चौधरी बोली। वहाँ से बाहर निकलो। दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। यहाँ आने का फ़ायदा हुआ? कामनी मिली लेकिन अभी तो कोई खास बात फ़ायदा नहीं हुआ। मोना चौधरी ने सारी बात गोपाल को बताई। दोनों होटल से बाहर निकल कर कार की तरफ बढ़ गए थे। यानी पता नहीं चला कि प्रिया किस चक्कर में थी? नहीं पता चला, लेकिन वो हरजीत जानता था कि प्रिया की मौत हो चुकी है। मैं हरजीत के बारे में कुछ नहीं जान सकी। वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, उसे यहाँ से निकलने की जल्दी थी। उसके साथ की लड़की का नाम रोजी था। हाँ, वो देखने में कैसे लगती थी? उसका होलिया बताओ, मैं उसे ढूंढने की चेष्टा करूँगा। मोना चौधरी ने रोजी का होलिया बताया। दोनों कार में बैठे। गोपाल ने कार आगे बढ़ा दी। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव ठहरे हुए थे। मालूम करना पड़ेगा कि प्रिया ने क्या क्या चक्कर फैला रखे थे, गोपाल ने कहा। मोना चौधरी ने सीट की पुश्त से सिर टिका कर आँखें बंद कर ली। गोपाल बहुत अच्छी तरह से कार चला रहा था। आदत के मुताबिक उसकी निगाह हर तरफ जा रही थी। एकाएक उसकी निगाह बैक मिरर पर टिकी और आंखें सिकुड़ गई। पीछे एक कार बहुत तेजी से अन्य वाहनों को पार करके आगे आने की कोशिश कर रही थी। गोपाल ने मोना चौधरी पर निगाह मारी जो कि बगल की सीट पर आंखें बंद किए बैठी थी। गोपाल की निगाह जब उस पर पड़ी थी तो वो तीन अन्य कारों के पीछे थी। अब वो दो कारों को पार करके सिर्फ एक कार पीछे ही रह गई थी। गोपाल बैक मिरर के द्वारा उस कार में बैठे व्यक्तियों को देखने की चेष्टा कर रहा था। उनके चेहरे तो स्पष्ट न देख पाया परंतु इतना समझ गया कि उस कार में तीन लोग मौजूद हैं। ठीक तरह बैठो, एकाएक गोपाल ने सतर्क स्वर में कहा। क्यों? मोना चौधरी ने आंखें खोली। गोपाल को देखा, पीछे एक कार है। गोपाल की निगाह कार चलाने के साथ साथ पीछे भी जा रही थी। उसमें तीन लोग मौजूद हैं। वो कार बहुत तेजी से आगे आई है। मैं शीशे में उन्हें देख रहा हूँ, शायद वो हमारी कार को ही देख रहे हैं। मोना चौधरी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। हमारे पीछे जो कार है उस कार के पीछे वाली सफ़ेद कार की बात कर रहा हूँ मैं। मोना चौधरी ने देखा वो कार अपने आगे वाली कार को ओवरटेक करके उनके पास आने की चेष्टा कर रही थी। मोना चौधरी की आँखें सिकुड़ी, आँखों पर चढ़ा रखा चश्मा ठीक किया। तुम ठीक आते हो,
उनकी निगाह हम पर ही है। भड़ाक, मोना चौधरी के शरीर को तीव्र झटका लगा। यही हाल गोपाल का हुआ। दोनों के सिर विंड शील्ड से टकराते टकराते बचे। कार जबरदस्त झटके के साथ रुक चुकी थी। इस टक्कर से स्पेयरिंग गोपाल की छाती में लगा, लेकिन बचाव हो गया था। एकाएक सामने से कार आई और उनकी कार से टक्कर मार दी थी। हेडलाइटों के टकराने की वजह से शीशे टूटने की तेज आवाज वहां उभरी थी। मोना चौधरी ने भी खुद को संभाला। क्या हुआ? मोना चौधरी ठीक से कुछ समझ नहीं पाई थी। सामने से आती कार ने जानबूझकर हमारी कार को टक्कर मारी है, गोपाल दांत भींच कर बोला। मोना चौधरी ने फुर्ती से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। तब तक सामने वाली कार से दो आदमी निकलकर उसके पास आ गए थे। पीछे से आती सफ़ेद कार भी पास आकर रुक गई थी। उसमें से भी तीन आदमी निकले। मोना चौधरी ने बारी बारी सबको देखा। गोपाल बाहर निकला तो दो आदमियों ने उसे भी घेर लिया। सड़क पर जाते ट्रैफिक ने उनके एक्सीडेंट की परवाह ना की, कोई नहीं रुका। तुमने जानबूझकर एक्सीडेंट किया है? गोपाल ने एक से कहा। हाँ, वो व्यक्ति शांत स्वर में बोला। क्यों? जवाब में उस व्यक्ति का हाथ हिला और एक जबरदस्त चाटा गोपाल के गाल पर पड़ा। गोपाल तिलमिला उठा। तभी एक व्यक्ति ने कहा, तलाशी लो इनकी। फौरन ही गोपाल और मोना चौधरी की तलाशी ली जाने लगी। आई डिटेक्टिव एजेंसी के कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रिवॉल्वर वगैरह ही मिला। गोपाल के पास रिवॉल्वर नहीं था। उन सब ने दोनों को इस तरह घेर रखा कि बचने के लिए एकाएक कुछ कर पाना भी कठिन था। एक आदमी उनके सामान को चेक करने लगा। कौन हो तुम लोग? मोना चौधरी ने कठोर स्वर में पूछा। चुप कर, वरना दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा व्यक्ति गुर्रा उठा। इतने लोग घेर कर रौब मारते हो? गोपाल मुंह लटका कर का उठा। नाम क्या है तेरा? उस व्यक्ति की निगाह गोपाल पर जा टिकी। गोपाल, काम क्या करता है? मैं तो मैडम के पास चपरासी की नौकरी करता हूँ। कार चलानी आती है तो कभी कभी कार भी चला लेता हूँ। आज मैडम के यहाँ पहला दिन है मेरा, गोपाल ने घबराहट भरे स्वर में कहा। जिंदा रहना चाहते हैं तो ये नौकरी छोड़कर भाग जा। हाँ, मैं भाग ही जाऊँगा। सामान चेक करने वाले ने सारा सामान मोना चौधरी की तरफ बढ़ाया, रिवॉल्वर भी। रख लो। मोना चौधरी ने सामान थामा और जेबों में डालने लगी। आई डिटेक्टिव एजेंसी की मालिक तुम कब बनी? कल। प्रिया कहाँ है? उसने अपना बिजनेस बेच दिया और मैंने खरीद लिया, मोना चौधरी ने कहा। मैंने पूछा है प्रिया कहाँ है? ओ, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा, मर गई। परसों रात किसी ने उसकी हत्या कर दी। ओह, ओ चौका। किसने की उसकी हत्या? मुझसे क्या पता। तुमने उसका बिजनेस किससे खरीदा? प्रिया के पति प्रदीप गोस्वामी से। उस व्यक्ति ने मोना चौधरी को घूरा। और तुम किस चक्कर में हो? चक्कर? क्या कह रहे हो तू? अपनी दुकान बंद करके भाग लो अगर जिंदा रहना चाहती हो तो, उस व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा। क्या मतलब? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। पलक झपकते ही उस व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकाली और नाल मोना चौधरी के माथे पर रख दी। मोना चौधरी का चेहरा सख्त सा हुआ। वो सतर्क दिखने लगी। समझ में आया मतलब? उसने कड़वे स्वर में कहा। इस वक्त तो छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने अपनी जासूसी की दुकान खोली तो ये वक्त फिर आएगा और तब मैं ये ट्रिगर दबा दूंगा। मेरे जासूसी का धंधा करने में तुम्हें क्या ऐतराज है? मोना चौधरी का उठी। तुम्हारे धंधे पर मुझे ऐतराज नहीं है, ऐतराज इस बात पर है कि तुम प्रिया की किसी जगह के पास भी ना दिखो। क्यों? मारू गोली? मोना चौधरी ने होठ बीच ली। वहाँ दूर दूर खड़े लोग ये सब तमाशा देख रहे थे। समझ आ गई? मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिर हिलाया। अब तुम वहां दिखाई मत देना जहां प्रिया बैठा करती थी। मोना चौधरी ने पुनः सिर हिलाया। अगर प्रिया से तुम्हारा कोई रिश्ता है तो बता दो। रिश्ता? तुमने खामा खा तो आनन फानन प्रिया का धंधा खरीदना नहीं होगा। कोई तो वजह होगी कि पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, जल्दी मरोगी तो, तीखे स्वर में कहते हुए उसने रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में रखी। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, गोपाल घबराए स्वर में बोला। समझो छोड़ दी नौकरी। उस व्यक्ति ने मोना चौधरी को घूरा। मोना चौधरी और गोपाल को उन सब ने घेरे में ले रखा था। जा रहा हूँ मैं, वो कठोर स्वर में बोला। प्रिया की जगह से दूर हो जाना। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते वो सब कार में बैठे और कार आगे बढ़ती चली गई। गोपाल और मोना चौधरी की नज़रें मिली। समझ में नहीं आता कि प्रिया ने आई डिटेक्टिव एजेंसी की आड़ में क्या क्या चक्कर फैला रखे थे जो इतनी मुसीबतों का सामना अब हमें करना पड़ रहा है, गोपाल बोला। उन्हीं चक्रों को समझने की तो कोशिश की जा रही है। तभी मोना चौधरी की निगाह सामने से जाती कार पर पड़ी। हम खतरे में पड़ते जा रहे हैं, गोपाल गंभीर स्वर में बोला। आज ही हम ऑफिस में बैठे हैं और दो तरह के
लोगों ने हमें घेरा होटल ब्लैक होल में, और अब ये लोग। लेकिन ये लोग हमसे क्या चाहते थे? इन्होंने हमारा रास्ता क्यों रोका? प्रिया की डिटेक्टिव एजेंसी से हमें हटने को आखिर क्यों कहा इन लोगों ने? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ चुकी थी। जिस कार को तेजी से सामने से गुजरते देखा था उसकी ड्राइविंग सीट पर रानी बैठी थी। उसका कार चलाने का अंदाजा बता रहा था कि शायद वो उन लोगों के पीछे गई है। किधर देख रही हो तुम? गोपाल ने टोका। रानी शायद उन लोगों को पीछे गई है। रानी? गोपाल के माथे पर बल उभरे। ये कौन है? तुम नहीं जानते? नहीं। नाम भी नहीं सुना? नहीं। गोपाल ने इनकार में सिर हिलाया। तो रानी का जिक्र तुम्हारे सामने करना मेरी गलती थी। आओ चले यहाँ से। कार की हालत बुरी हो चुकी है, गोपाल बोला। मुझे ऑफिस छोड़ने के बाद कार ठीक करा लेना। मोना चौधरी आई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पहुंची। गोपाल उसे छोड़कर कार ठीक करा ले चला गया था। नई खबर? मोना चौधरी ने कुर्सी पर बैठे हुए रोमी से पूछा। नहीं। कोई फ़ोन नहीं आया? नहीं। हम यहाँ के छानबीन करने में लगे हुए हैं। अभी तक तो हमें काम का कुछ नहीं मिला। अगर काम का कुछ है तो वो हमें समझ नहीं आ रहा, रोमी ने धीमे स्वर में कहा। तभी देविका ने केबिन में प्रवेश करते हुए पूछा, जहाँ तुम गई थी और वहाँ क्या हुआ? बहुत बुरा। क्या मतलब? हम अनजाने में खतरनाक मामले में दखल देते जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। रोमी और देविका की नज़रें मिली। मोना चौधरी ने होटल ब्लैक होल में हुआ सारा मामला बताया और रास्ते में हुई गड़बड़ भी। वो कौन थे जिन्होंने रास्ते में तुम्हारी कार रोककर तुम्हें प्रिया के ऑफिस से दूर हो जाने को कहा? रोमी बोला, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हमें सतर्क रहना होगा, वो लोग कभी भी हमको घेर सकते हैं, देविका बोली। मोना चौधरी ने ड्रॉ से तस्वीर निकाली और उस पर नज़र मार कर कहा, प्रिया की तस्वीर खूंखार आतंकवादी जाफर शरीफ के साथ है। स्पष्ट है कि प्रिया ने किसी लंबे मामले में ही हाथ डाल रखा था। हो सकता है वो प्राइवेट जासूस की आड़ में जाफर शरीफ के लिए काम करती हो। कुछ भी हो सकता है। मोना चौधरी की निगाह तस्वीर पर जा टिकी। तभी मोबाइल फ़ोन की बेल बजी। मोना चौधरी ने देखा, वो बेल प्रिया के मोबाइल फ़ोन पर बज रही थी। हेलो, मोना चौधरी ने कॉल अटेंड की। मैडम, मेरा भेजा सामान मिल गया होगा? कानों में किसी व्यक्ति की आवाज़ पड़ी। मोना चौधरी सतर्क सी नज़र आने लगी। विजय मल्होत्रा? मोना चौधरी ने होठों से निकला। हाँ, इस बार स्वर में उलझन थी। तुम प्रिया नहीं हो, कौन हो तुम? मैं मोना हूँ। मोना? आवाज़ में उलझन भरी थी। कौन मोना? तुम्हारे पास प्रिया का मोबाइल फ़ोन कैसे आया? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। क्या सब जानती हो? यही कि तुम प्रिया के लिए जासूसी का काम करती हो। बेकार की बात मत करो, सब जानती हो। ये बात तुम कौन हो? आई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की नई मालिक। नई मालिक? प्रिया कहाँ है? विनय मल्होत्रा का स्वर कानों में पड़ा। किसी ने उसका कत्ल कर दिया। विजय मल्होत्रा की आवाज़ नहीं आई। परसों रात उसे मार दिया गया। कहाँ? विजय मल्होत्रा ने गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? फ़ोन पर मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, तुम्हें खास जानती भी नहीं मैं। तो क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? तुम्हारे पास? तुम कहाँ हो? पंजाबी बाग सिटी कम्प्लेक्स में, यानी कि प्रिया के ऑफिस में। हाँ। परसों रात प्रिया को किसने मारा तो तुम उसके बिजनेस को की मालिक कैसे बन गई? मैंने उसके पति से जासूस के ये ऑफिस खरीद लिया, प्रदीप गोस्वामी से। हाँ, तुम जानते हो उसे? नाम से देखा कभी नहीं। किसने मारा प्रिया को? नहीं जानती। आ रहे हो तुम? कुछ पल चुप रहने के बाद विजय मल्होत्रा की आवाज़ आई, आता हूँ। मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर करके टेबल पर रखा। देविका और रोमी उसे ही देख रहे थे। प्रिया का असिस्टेंट विजय मल्होत्रा आ रहा है, शायद उससे कई नई बातें पता चले। उसे पूछताछ हो चुकी है, वो कुछ खास नहीं जानता, रोमी बोली। ओ, पहले हुई पूछताछ में तुम शामिल थे? नहीं, हमें सिर्फ खबर दी गई। पूछताछ कब हुई नहीं मालूम, चीफ ने ही इस सारे काम को अंजाम दिया था। मोना चौधरी कुछ कहने लगी कि ऑफिस की कॉल बेल बज उठी। बाहर कोई है? देविका बोली। मैं देखता हूँ, कहते हुए रोमी बाहर निकला। देविका उनके पीछे पीछे चली गई। मोना चौधरी ने तस्वीर वापस ड्रॉर में डाली। ड्रॉर में रखे प्रिया के सिगरेट के पैकेट में से सिगरेट निकाली और सुलगा कर कस लिया। तभी देविका ने भीतर प्रवेश किया। प्रिया का पति प्रदीप गोस्वामी मिलने आया है, देविका ने कहा।
35 बरस का स्वस्थ और लंबे कद का व्यक्ति था प्रदीप गोस्वामी। क्लीन शेव्ड चेहरा, सिर पर साधारण से छोटे बाल, कमीज पैंट भी उसने लापरवाही भरे अंदाज में डाल रखी थी। कमीज पर कई जगह बल नजर आ रहे थे, फिर भी वो आकर्षक नजर आ रहा था। और वही प्रदीप गोस्वामी इस वक्त मोना चौधरी के सामने खड़ा था। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे अनिल मोहन की लिखी मोना चौधरी श्रीम की सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम फिक्शन उपन्यास हुकुम मेरे आका। इस नॉवेल की ये पहली एपिसोड थी और इसे आगे की कथानक आप लोग सुनिएगा इसी नॉवेल की दूसरी एपिसोड में, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।